Mira, ten la gana. Bye. Sí. Se queda un gol maestro. Sí, ya ve. हाँ जी, आज के क्या कहना चाहते हैं, कितनी एक्साइटमेंट हम सब के लिए, आई थिंक मुंबई वासियों के लिए और हम सब के लिए, एक बहुत ख़ास तौर पे फ़नकारों के लिए, कलाकारों के लिए एक बहुत ही अहम दिन है। बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे मुंबई शहर में एक ये ऐतिहासिक कदम उठाया गया है, जहाँ मुंबई मुक्ति कल्चरल हब की स्थापना हुई है। एज एन एक्टर जब भी मैं स्टेज पे जाता था तो बड़ी कमी महसूस होती थी कि बहुत सारे कम ऑडिटोरियम मिलते थे परफॉर्म करने के लिए, और बहुत सारी चीज़ों के लिए, जैसे डांस है, पेंटिंग है, एग्जीबिशंस हैं, लोग करना चाहते हैं, एग्जिबिट करना चाहते हैं, लेकिन ऑडिटोरियम की सख्त कमी थी। और एक आध ऑडिटोरियम को छोड़ के ऐसा कोई स्टेट ऑफ द आर्ट ऑडिटोरियम नहीं था जहाँ परफॉर्म करके आपको, जब हम बाहर जाते हैं देश के तो देखते हैं कि बड़े खूबसूरत ऑडिटोरियम्स रहते हैं, हम वापस आके सोचते हैं काश हमारे शहर में भी, हमारे देश में भी ऐसा ऑडिटोरियम होता, क्योंकि मुंबई अपने आप में एक कल्चरल हब है, उस हब के अंदर एक और हब, कल्चरल हब। तो बहुत बड़ी बात है, इसके लिए ढेरों बधाई के पात्र हैं श्रीमती स्मिता ठाकरे जी, जिन्होंने इतने खूबसूरत एक हब की एक कल्पना की है, जहाँ बहुत सारे आर्टिस्ट तरह तरह के, अलग अलग फील्ड से, मुख्तलिफ फील्ड से यहाँ आ सकेंगे और अपने हुनर का प्रदर्शन कर सकेंगे। जी आर्टिस्ट को या टैलेंट को इस तरह की जी जी देर आए दुरुस्त आए वो कहते हैं, इट्स नेवर टू लेट। बहुत दिनों से हमारी इच्छा थी कि ऐसा कुछ हो, और बल्कि ऐसा एक नहीं, कई ऐसे हब्स की हमें ज़रूरत है, ये सबर्ब्स में है, कुछ टाउन में, कुछ मिड टाउन में, ये बहुत ज़रूरत है। तो लेकिन वही मैंने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, नहीं आने से तो बेहतर है कि हम आए, भले ही देर से आए, और ये एक कदम है। आई थिंक इसको देख के और भी बहुत सारे लोग इस प्रवाह से, इस प्रयास से जुड़ेंगे, और इससे कलाकारों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला। थैंक यू सर, थैंक यू। Who is taking the bites? Who's asking questions? I'd like to wish Smita ji all the very best for the launch of her cultural hub. She's a very dear friend, and I've seen the amount of effort she's put behind this, and I really want to wish her all the very best. जी उससे उनको इनकरेजमेंट मिलेगी, और हम उसमें और इनकरेजमेंट मिलेगी थिएटर आर्टिस्ट को, और हम देखेंगे कि और प्लेज, नवे प्लेज आएंगे, नवी चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, जो बहुत अच्छा है और बहुत नेसेसरी है आज के टाइम में। स्मिता जी और मैं बहुत सालों से दोस्त हैं, और वो बहुत ही डिफरेंट काइंड की लेडी हैं, वो कुछ ठान लेती हैं तो वो कर दिखाती हैं, और वो बहुत मेहनत करती हैं हर चीज़ के पीछे, परफेक्शनिस्ट हैं और बहुत ही साफ दिल की और अच्छी औरत हैं, तो बहुत अच्छी है और गहरी हमारी फ्रेंडशिप है, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर टू सपोर्ट हर। तक यहाँ बम्बई में ऐसा कुछ है तो ये कल्चरल इवेंट जो है, और ये जो इनॉग्रेट किया जा रहा है, ये जो हब बनाया जा रहा है, ये अपने आप में एक यूनिक इनिशिएटिव है, और यहाँ जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होने वाले हैं बहुत कुछ इसको आगे लेके जाएगा। थिएटर एक्टर्स के लिए कितना बहुत ही बढ़िया, थिएटर एक्टर्स के लिए यहाँ वर्कशॉप्स कर सकते हैं, यहाँ कॉन्फ्रेंसेस हो सकते हैं, यहाँ मीटिंग्स होते हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है। ऐसे हब्स की तो ज़रूरत है काफ़ी, कि जितना यहाँ हो उतना ही अच्छा है। जी हिचकी तो अभी 1.5 साल या 1 साल हो गया मुझे, उसके बाद तो सीक्रेट गेम्स किया है, और वेब सीरीज़ मेरे काफ़ी, अभी 4-5 और वेब सीरीज़ आ रहे हैं मेरे, अभी 2 फीचर्स आ रहे हैं, अभी तो कुछ 6-7 प्रोजेक्ट्स अभी आ रहे हैं मेरे, अमेज़ॉन में है, वायाकॉम का है,
ایسا ہے سب. سو یہ سب ریلیز ہونے والے ہیں اگست میں. اوکے تھینک یو. I'm excited. آج انوگریشن آف مکتی کلچر ہب ہے اینڈ اٹس اے ڈانس فاؤنڈیشن. سو ایکسائٹیڈ بیکاز سمیتا جی از ہیڈنگ دس ہول تھنگ اینڈ ٹو سی ہاؤ اٹ ٹیکس شیپ. اندھیری نیڈڈ دس پلیس. سو ابھی مجھے ٹوٹلی معلوم نہیں ہے کیا کیا ڈیٹیلز ہے یا سو وچ آئی گیٹ ٹو نو اینڈ آئی ایم لکنگ فارورڈ ٹو اٹ. ہاں لیکن بٹ میں ایکٹر نہیں ہوں نا تو آئی تھنک اینی انسٹیٹیوٹ لائک دس جہاں پہ یہ ٹریننگ پاسبلٹیز ہے از آلویز اسپیس اے بلیسنگ فار نیو کمرز. یہ ایک اسپیس ہے جہاں پہ پراپر گائیڈنس ملے بیکاز ویسے تو بہت سارا انسٹیٹیوٹس ہے ہر جگہ ہے لیکن جو صحیح طرح صحیح ٹریننگ ملے صحیح گائیڈنس ملے ویسے بہت سارا جگہ نہیں ہے. بٹ دس از اے انیشیٹو وتھ سمیتا جی اینڈ انوپم کھیر. سو آئی ایم شیور اٹ ول ہیو مچ مور آف لیجیٹیمیسی. سمیتا جی ان کی فیملی تو میری فیملی جیسی ہے. بہت سالوں سے ہم اور بچوں کو بڑے ہوتے دیکھا لٹرلی ہم لوگوں نے. اینڈ آئی ایم ویری ہیپی کہ اس جگہ پہ اتنا اچھا میں بھی دیکھ رہا ہے. انفیکٹ میں آج پہلی بار اس بلڈنگ میں آیا ہوں حالانکہ اتنے ٹائم سے تھی یہاں پہ. بٹ یہ آڈیٹوریم بنا ہے یہاں پہ بہت اچھا ہے. اٹس اے ویری ہائی ٹیک قسم کا ہے اور اس وجہ سے یہاں پہ بہت ساری جو کلچرل سماروہ ہوں گے چاہے وہ پلیز ہوں چاہے وہ شوز ہوں چاہے وہ فنکشنز ہوں یا کوئی میٹنگز ہوں اس وجہ سے اس ایریے میں اتنا اچھا ہال تھا نہیں تو اپنا بنائے تھے. اچھا کیا ہے کہ اگر پلیٹ فارم نہیں ہوتا کہیں پر میں تو پھر آدمی کہاں جب کلچرل کوئی بھی پروگرامز ہوتے ہیں تو پروگرامز جو ہوتے ہیں اس میں اگر اچھی کوئی جگہ ہو اچھا آڈیٹوریم ہو تو نیچرلی اور اچھا ہوتا ہے نا. نہیں نہیں بالکل پولیٹکس پولیٹکس والے جانے ہم میوزیکلی یہاں پر آئے. بس کمال کی بات ہے یار. ایک تھیٹر رنگ منچ والا آدمی ہوں میں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ مطلب پرتھوی تھیٹر کے بعد ایک کوئی تھیٹر چاہیے تھا اور وہ یہ تھیٹر بن رہا. بہت اچھا خوبصورت تھیٹر ہے اور میں نے دیکھا ہے اس کا اسٹیج اور سیٹنگ ارینجمنٹ. ناٹک جس کا سما بننا چاہیے جس کے لیے ایک تھیٹر اچھا ہونا چاہیے تو میرے خیال سے سب کچھ ساری سویدھائیں اس میں ہیں. شاید ہم کہہ سکتے ہیں کہ اے پلس فائیو اسٹار سیون اسٹار. آئی ہوپ نو آڈینس وی گیٹ اٹ. دیکھو اس کو تو وقت لگتا ہے پر اتنا ضرور میں کہوں گا کہ رنگ کرمی یہاں آ کر پرفارم کرنا چاہے گا اور آڈینس بہت خوش ہوگی. یہاں بہت اچھے ناٹک مجھے لگتا ہے جیسے کہ ایک امپیکٹ ہوتا ہے. جیسے پرتھوی کا اپنا ایک ڈیزائن کا مزہ ہے کہ وہاں آپ بیٹھتے ہو تو ایسا انفارمل فیل آتا ہے تو اس کا اپنا فیل ہوگا.
we'll have to see that what happens, but definitely I would say that this will definitely attract me as well the audience. देखिए मैं उसमें एक भूमिका निभा रहा हूँ, वो है गॉडमैन की, और भट्ट साहब के साथ जब भी मैंने काम किया है, मुझे तो मुकेश भट्ट हमेशा कहते थे लकी मैस्कट है तुम हमारा, फिर पता नहीं बीच में क्या हो गया, पर भट्ट साहब ऐसा लगता है कि कुछ लोग हैं जिनसे आप रूबरू हो जाते हो और आपके ज़िंदगी से भटते नहीं है। जैसे हम थिएटर में हमेशा कहते हैं कि लोग कैरेक्टर एग्जिट करते हैं फिर से एंटर करने के लिए, वैसे मुझे लगता है भट्ट साहब एक ऐसे शख्स है जो आपके जीवन से बाहर नहीं जा सकते, और वो किरदार बिल्कुल ही, ज़्यादा कहना नहीं चाहिए, पर एक एक्साइटिंग सा किरदार है जो एक एक्टर को हमेशा एक सर्च होता है, वो मेरे ख्याल से है। आलिया के बारे में कुछ कहेंगे, आजकल के समकालीन बहुत ही अच्छा अभिनय करती हैं, और मैं ऐसा बोलने वाला, मुझे नहीं लगता है कि मैं कोई अधिकार है किसी एक्टर के बारे में बोलने का, पर इतना ज़रूर कहूँगा शी हैज़ इनक्रेडिबल कैपेसिटी टू होल्ड द स्क्रीन वेदर विद अ क्लोज अप और विद अ लॉन्ग शॉट, वेदर डांस, वेदर शी डजंट डांस, वेदर शी इज क्वाइट और वेदर शी स्पीक्स, आई थिंक शी इज an excellent actress and evolving. Thank you so much, आजकल थिएटर्स की बहुत कमी है, और ख़ासकर हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि थिएटर्स नहीं हैं, तो ये एक नई चीज़ खुली है, देखो कैसे चलती है, बट थैंक यू वेरी मच जिसने भी किया है। वही तो मैं कह रही हूँ कि बहुत कमी है इसकी, और बहुत अच्छी बात है कि नई नई चीज़ें खुल रही हैं, और स्मिता ने ये सोचा है और हम लोग को दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। Excitement, there's a lot of happiness and contentment for the Mukti Club. I think Bombay, jam, aisa lagta hai ki ek
छोटा सा मैच बॉक्स बनता जा रहा है, उसमें जब ऐसी फैसिलिटीज ऐसी जगह आती है तो एक ब्रीदिंग मिलती है. तो माई हार्ट फेल्ट विशेज टू स्मिता जी एंड फॉर अ ग्रेट एफर्ट इन पुटिंग दिस टुगेदर. किस तरह से हेल्प करेगा ये बोलना इज नॉट स्टेट मैथमेटिक्स. एक एनवायरनमेंट बनाना होता है, एक अपॉर्चुनिटी देनी होती है, प्लेटफॉर्म देना होता है. तो वो अगर नए टैलेंट को मिलता है तो उनके लिए बहुत अच्छा. माय बेस्ट विशेस अँड स्पेशली स्मिताजींसाठी, कारण आय फील यु नो ब्रिंगिंग एव्हरीथिंग अंडर वन रूफ आणि अँड इन प्लेस लाईक मुंबई विच इज अटमोस्ट इम्पॉर्टंट गेटिंग लाईक म्युझिक डान्स कल्चरल एव्हरीथिंग अंडर वन रूफ. आय थिंक इट्स गोईंग टू डू व्हेरी वेल अँड हर अ ब्युटिफुल साईड ऑफ स्मिताजी हॅज ऑलवेज बीन इन टू सोशल ॲक्टिव्हिटीज लाईक द एड फाउंडेशन अँड नाव दिस. ऑल माय बेस्ट विशेस टू मुक्ति अँड स्मिताजी. एक्टर्स ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, मुझे लगता है ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, अंडर वन रूफ है. और स्मिता जी का जो कनेक्शन है डायरेक्टली मीडिया के साथ एंड ऑल, सो ऐसा नहीं कि आपको अलग अलग जगहों में जाके अलग अलग यू नो एक्टिविटीज़ करने हैं, तो सब कुछ अंडर वन रूफ है. मुझे लगता है कि सभी एक्टर्स के लिए एक बहुत बेनिफिशरी प्लेटफॉर्म है ये. थैंक यू. स्मिता जी सर, सर एक पिक्चर कर देना यार, ग्रुप पिक्चर कर. पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार कहना चाहूँगी, क्योंकि आज मेरे लिए जो इतना महत्वपूर्ण दिन है. और मुक्ति फाउंडेशन जो मैंने बहुत सालों पहले शुरू की थी, फिर मुक्ति फाउंडेशन के तहत मैंने मुक्ति कल्चरल हब की स्थापना की है. और इस एरिया में मिस अंधेरी साइड में ये साइड में कहीं भी ऐसा हब नहीं है या इस टाइप की फैसिलिटीज़ नहीं हैं, ऐसे कई कलाकारों ने हमको कहा. तो मेरा और मेरे बेटों का पैशन है आर्ट के प्रति, और हमने इस पे पूरी मेहनत डाल के मुक्ति कल्चरल हब को हमने यहाँ क्रिएट किया है, जिसमें ऑडिटोरियम तो है ही जो 350 सीट की है, जिसमें आप आर्ट
दिखा सकते हो, प्ले थिएटर दिखा सकते हो या कॉन्फ्रेंस के लिए हो सकता है। हमने यहाँ दो डांस स्टूडियोज में, एक तो डांस स्टूडियो है जो हाउस ऑफ डांस मैंने शुरुआत की है, जो एक साल हो गया जिसको हमने शुरुआत की है, और एक हॉल है जिसमें प्रैक्टिस के लिए या डांस की परफॉर्मेंस के लिए कई सारी फिल्मी पर्सनालिटीज़ या लोग यहाँ उसको यूज़ कर सकते हैं, और एक आर्ट गैलरी हमने शुरू की। तो कोशिश यही रही है कि हम आर्ट को बढ़ावा दें और लोगों को यहाँ आकर्षित करें कि आप एक ही रूफ़ के अंडर हम आपको वो सब देना चाहते हैं जो एक आर्ट को जो प्यार करता है, एक जो कलाकार होता है उसको यहाँ आके खुशी होगी। तो बस यही उद्देश्य से हमने ये प्रीमाइसेस को बड़ा किया है, और मैं यही कोशिश करूँगी कि जो भी यहाँ आए और उनको खुशी मिले, और बस आप सभी का प्यार और प्रार्थना करती हूँ, मेरे माता पिता का आशीर्वाद भी हमारे साथ रहे, और मैं ऐसे ही काम करती रहूँगी। मुक्ति फाउंडेशन का काम तो चल ही रहा है, पर ये जो आर्ट के प्रति हमने शुरुआत की है उसको भी हमें उतनी ही कामयाबी मिले, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। अमिताभ सर जब इनोग्रेट किए हैं उसके बाद पेंटिंग देखे वाला सर, कुछ बातें हो रही थी आप दोनों के बीच में, क्या कुछ थोड़ा नहीं? अमित जी हमारे लिए, मेरे लिए बहुत ही एक अहम इंसान है, जो हमारे मेरे हर काम में उन्होंने मुझे साथ दिया है। तो उन्होंने सिर्फ यही कहा, क्योंकि हमारी ज़्यादा बातचीत नहीं होती है, और सिर्फ जब भी कहीं मिलते हैं तो वो हमेशा यही बोलते हैं कि अरे आपने ये भी किया, आपने ये भी कर रही हो। तो मेरे ख्याल से उनका जो एक सेंटेंस होता है वो मेरे लिए एक उत्स्फूर्त का स्थान होता है, और मैं उनको बहुत ही उनके सपोर्ट को मैं चाहती हूँ हमेशा, और वो मिलता आ रहा है। साहब के तो नज़दीक थे ही वो, और उन्होंने हमेशा यही कायम रखा है कि जो भी हमारे परिवार के साथ हम करना चाहते हैं तो उन्होंने हमारा साथ दिया है। वो उनको ये पेंटिंग्स तो बहुत पसंद आई, क्योंकि ये बहुत रेयर पेंटिंग्स जो हमने किसी को कह के एक बनवाई है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि साहब हम उनकी कृपा दृष्टि यहाँ मेरे प्रीमाइसेस में रहे, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ, और अमित जी के हाथों इसका उद्घाटन हो यही मेरी आशा थी और मेरी पूरी हो गई। आपके बेटे के लिए परफॉर्मेंस देखे, ऊपर तीनों सेट्स देखे, एक्टिंग, इमोशंस, सभी कुछ देखे, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए और क्या क्या कहें अमित सर के लिए? अभी मेरे दोनों बेटों ने कला का रास्ता ही चुना है, और मैं खुद तो कला की प्रेमी हूँ। तो बड़े बेटे ने, राहुल ठाकरे ने डायरेक्शन और फिल्म मेकिंग चुना है, और छोटे ने अपना पैशन एक्टिंग के प्रति। तो एक्चुअली उसने अपने मेहनत से जो भी वो सीखा है उसको मैं हमेशा सपोर्ट देते हूँ, जो भी उसको करना चाहता है या जो भी मेरे दोनों बेटे करना चाहते हैं उनको हमेशा मैंने कहा है कि आप अपने दिल की सुनो, ज़रूरी नहीं है कि लोग क्या कहते हैं, और बस अपने पैशन से करते रहो, कामयाबी तो अपने आप मिलेगी। अगर आप प्यार से काम करोगे, उस कला को उतने ही प्यार से सराहोगे, तो मेरे ख्याल से मैं यही कोशिश करती हूँ उनको सीख देने की, और ऊपर वाला चाहे तो उनको भी बहुत कामयाब, एक पहले तो कामयाब इंसान बनाए और कामयाब नेता और डायरेक्टर बनाए। मुक्ति फाउंडेशन तो एक सामाजिक कार्य करती हूँ, और राहुल प्रोडक्शन के अंदर मैं फिल्में बनाती हूँ और टीवी के वेब सीरीज़ बनाती हूँ और टीवी शोज़ बनाती हूँ। बट छोटे का कहना ये है कि शायद उसकी कला देख के कोई और उसको प्रमोट करे, या कोई और उनके गाइडेंस के अंडर अगर वो अपना पहला पदार्पण करे तो वो ज़्यादा उसकी इच्छा वो है। तो अभी देखते हैं क्या होता है आगे। थैंक यू सो मच।